एजिंग क्या होता है और एजिंग का क्या उपयोग है, इस्तेमाल कैसा करना है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हमें संपर्क करके बताते हैं कि भाई हम सैटरडे संडे सेक्स करते हैं और एक बार इजैकुलेशन हो गया, वीर्यस्राव हो गया, बाद में सेकंड टाइम कोई इरेक्शन होता नहीं है, इच्छा भी नहीं होती है। 5 दिन सोमवार से शुक्रवार बहुत बिजी रहते हैं, फिर हम सोचते हैं कि सैटरडे संडे सेक्स करेंगे, सैटरडे सेक्स कर लिया कि शांत। तो फिर उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हम बोलते भी एजिंग करो, मतलब आपका ऑर्गेजम जो है वो डिले करो। अब वो कैसा हो सकता है डिले ऑर्गेजम? एक तो ऐसा है कि जब ऑर्गेजम मतलब अत्युच्च क्षण आता है कि अभी वीर्यस्राव हो जाएगा, उसके पहले जो है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अभी प्रैक्टिस से आपको मालूम होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कौन सा है, और वो आने के पहले ही दबाना चाहिए और ढीला करना चाहिए, उसको बोलते हैं स्क्वीज टेक्निक। मतलब पोस्टेरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो है, जो पेशाब की नली है, उसका पिछला हिस्सा जो रहता है वहाँ जमा हो जाता है वीर्य, और वहाँ एक बार जमा हो गया, वहाँ आके पहुँच गया, बाद में कंट्रोल करना मुश्किल है। तो एकदम आखिरी तक जाने में उसके पहले रोक देना है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि भाई पुल आउट मेथड है, कि भाई लिंग बाहर निकाल लो और जो घिसना चालू था, रब करना चालू था, वो रोको। तीसरा है कि आप लिंग बाहर निकाल लो, बाकी जो स्टिमुलेशन था वो बंद करो और अपना ख्याल कहीं और दो, मतलब कहीं टेंशन है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, चेक बाउंस हो गया, बिजनेस का प्रॉब्लम है, ऑफिस का, उसके ऊपर आप टेंशन करना चालू करो ताकि इधर ये एक्साइटमेंट कम हो जाएगा। चौथा है कि सेक्स करते करते ही आप टेंशन के विचार लाओ, ताकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा नहीं और वहाँ इन्वॉल्व नहीं होने का है, मतलब सेक्स कर रहे हैं वहाँ इन्वॉल्वमेंट है और कहाँ, और फिर वो जो कर रहे हैं आप तो उसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा नहीं। और फिर बाकी तो मेथड है कि भाई थिक कंडोम्स पहनो, फिर स्प्रे मारो, फिर पेनाइल रिंग्स है वो पहनो ताकि वो बाहर नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारे मेथड, मतलब ये जो मेथड मैं आपको बताया हूँ ये मेथड्स नेचुरल है और नेचुरल मेथड का इस्तेमाल हमने करना चाहिए, अर्थात मेडिकल जो है दवाइयाँ वो भी काम में आती है, और वो यदि आप लेते हैं तो तुरंत फायदा हो सकता है और लंबे समय तक फायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए, तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना। तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से, ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज, ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।